सब्सक्राइब कीजिए स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस आइडिया वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ गया हूँ फैक्ट्री में, जहाँ से मैं दिखाऊंगा कि इस तरह के जो डिशवाशेज हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, ये पूरा के पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह से किया जाता है ये मैं दिखाऊंगा। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पैकेजिंग है ये सब कुछ किस तरह से बनता है, A to Z तक हर चीज़ जो कुछ भी आपको यहाँ पे मिलता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अब हम आपको लेके चलते हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग मशीन दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कौन कौन सी मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल की जाती है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, पैकेजिंग कैसे किया जाता है, कटिंग कैसे किया जाता है, इसके अंदर सब कुछ जो है वो पूरे डिटेल में मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं ये भी जिक्र करने वाला हूँ कि आप इस बिज़नेस की स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अपने ब्रांड से बनवा करके और उसको सेल करना चाहते हैं तो वो कितने में शुरू किया जा सकता है, हर चीज़ की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से, इस तरह के डिशवाशर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं मशीनरी की तरफ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त देखते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल होता है, किस किस तरह का रॉ मटेरियल है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर इसके मिक्सिंग करेंगे। तो सर इसमें पहला रॉ मटेरियल आप कौन सा डाल रहे हैं? पहला रॉ मटेरियल डाल रहे हैं इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश। सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट जो कि इस तरह का होता है, लाइट वेट आपका पाउडर होता है। इसकी BD 0.6 होती है और ये आपका टाटा केमिकल, GSCL और निर्मा, ये तीन कंपनियां हैं जो बनाती हैं, बिरला चार कंपनियां बनाती हैं। ओके, तो ये कमोडिटी प्रोडक्ट होता है, ये बेसिकली बिल्डर होता है और ये स्लरी को न्यूट्रल करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले मिक्सर में सोडा ऐश डाल रहे हैं। ओके, सोडा ऐश हमने इसके अंदर डाल दिया। दूसरा जो रॉ मटेरियल है ये कौन सा रॉ मटेरियल है सर? दूसरा रॉ मटेरियल जो हम इसमें डाल रहे हैं वो आपका जो ये चाइना क्ले है, जो क्ले होती है ये केक को या डिशवॉश टब को बाइंड करती है। बेसिकली ये क्या बेस है आपका और इससे केक में आपको बाइंडिंग मिलेगी। तो ये मिनरल इसको भी इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि अल्मोना कंटेंट कितना होना चाहिए इसके अंदर, इसकी क्वालिटी का पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लो कॉस्ट के प्रोडक्ट होते हैं तो कई बार लोग क्वालिटी पैरामीटर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको खासकर क्वालिटी पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए। ये हल्के से पीले रंग का होता है और जब भी पानी के संग मिक्स होगा तो इसके अंदर बाइंडिंग आएगी और ये इसकी गोलियां बन जाएंगी। अभी कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, प्रोडक्ट को बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो दूसरा मटेरियल डाल रहे हैं वो इसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको हम डायरेक्ट इसमें पोर कर रहे हैं, मतलब हम सीधे उड़ेल रहे हैं और बाकी जब सब कुछ एक साथ हो जाएगा, मिक्स उसमें डल जाएगा, तो फिर हम इसकी मिक्सिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये दिखा दो। अब इसमें जो तीसरा प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं लाप्सा लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको लाप्सा या एसिड स्लरी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये बाइंडिंग भी देता है, ये सर्फेक्टेंट भी है, इसी आपकी झाग भी आती है, चिकनाहट भी आती है और क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी आती है। मतलब एक डिशवाशर के बाद जो वर्क प्रॉपर्टी होता है उसका सबसे बढ़िया रोल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपका ये सर्फेक्टेंट है। ओके, जो हमने डाल दिया इसके अंदर। तो दोस्तों अभी तक इसमें हमने तीन प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल, तीन रॉ मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है। अभी मिक्सर के अंदर हम लोगों ने डाला है सोडा ऐश, चाइना क्ले और लाप्सा एसिड स्लरी। अब इसको हम 10 मिनट तक ऐसे मिक्स होने देंगे मशीन को बंद करके, इसके बाद फिर दूसरे प्रोडक्ट हम इसमें डालेंगे। अब चौथा प्रोडक्ट जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, हम डाल रहे हैं आपका कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके बाद पांचवा प्रोडक्ट जो हम डालेंगे इसके अंदर, हम डालेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट पांचवा जो प्रोडक्ट है वो डोलोमाइट है जो हम इसके साथ मिक्स करने वाले हैं। देखने में दोनों का कलर एक जैसे ही लगता है, लुक्स भी आपका एक जैसे ही लगेगा, ऐसे आंखों से देख के आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों की क्वालिटी और दोनों के प्रोडक्ट की केमिकल एनालिसिस अलग अलग होती है।
जैसे डोलोमाइट के अंदर आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होते हैं और कैल्साइट के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। 90% कैल्शियम का हमें कैल्साइट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बाइंड हो पाए। अभी दोनों प्रोडक्ट हम अपनी मशीन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों प्रोडक्ट जो था वो हम इसके मशीन के अंदर डाल दिए। हमने डाल दिया 3, 2, 5 प्रोडक्ट हो गए ना। तो दोस्तों जो मटेरियल रॉ मटेरियल अभी तक डला है इसको 15 मिनट तक हम इसमें मिक्स करने वाले हैं। 15 मिनट के बाद जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? अब हम दूसरा इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं ये फोमिंग के लिए है, आपका फोम इन्हांस करने के लिए। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में AOS, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट। तो इसको डालने से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर फोमिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो वो फोमिंग के लिए हमने इस प्रोडक्ट को डाला है। अब AOS डालने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं प्रोडक्ट को मिक्स होते हुए। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट भी आपका बिल्डर होता है और अल्कलाइन प्रोडक्ट होता है। ये डिटर्जेंट केक डिशवॉश बार या टब के अंदर डालते हैं बाइंडिंग के लिए, जिससे आपकी प्रॉपर बाइंडिंग आपकी केक के अंदर आ जाए और क्लीनिंग की प्रॉपर्टी आपकी बढ़ जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे सोडियम सिलिकेट। ओके, तो अब हम इसके अंदर सोडियम सिलिकेट मिक्स कर रहे हैं। इसको हम मूव करके चारों तरफ देंगे, मशीन हमारी चल रही है ऑलरेडी, जिससे कि ये प्रॉपर जो है वो मिक्स हो सकेगा। बंद कर दें। अब दोस्तों 10 मिनट इसको मिक्स करने के बाद से अब हम डालते हैं नया दूसरा प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आपका पॉलीमर डाल रहे हैं। पॉलीमर का जो रोल होता है डिटर्जेंट केक में वो बाइंडिंग का होता है और मॉइस्चर रिटेंशन का होता है। इसके अलावा जो आपकी टिकिया टब होती है उसको मेल्टिंग से भी, ज़्यादा घुलने से भी रोकता है, मेल्टिंग कंट्रोल करता है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं पॉलीमर और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर परफ्यूम। ओके, सो अब हम पॉलीमर इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। पॉलीमर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी खुशबू के लिए हम यूज़ करेंगे परफ्यूम। परफ्यूम डालेंगे तो अब ये परफ्यूम जो है अब इसमें हम डाले लेमन की परफ्यूम डाल रहे हैं। Okay. हाँ, ये लेमन परफ्यूम है क्योंकि जो हमने दिखाया था वो लेमन बेस्ड था, तो हम ये परफ्यूम डाल रहे हैं जिससे कि लेमन की सुगंध जो है वो आपको इस डिशवाश से आने वाला है। दोस्तों अब जो है ये सब कुछ हमने इसमें मटेरियल डाल दिया है, रॉ मटेरियल सब कुछ डाल दिया है। अब ये पूरे तरीके से मिक्स हो रहा है। 5 मिनट इसके बाद हम पूरा मिक्स करेंगे इसको ताकि परफ्यूम और बाकी के जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाए और फिर हम इसको ले जाएंगे कटिंग पे। अब ये जो मशीन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन सी मशीन है, इसका नाम क्या है? ये बेसिकली जो मिक्सर है इसको सिग्मा मिक्सर बोलते हैं और इसको JR मिक्सर भी बोलते हैं। ओके, बेसिकली ये जो मशीन होती है ये JR के बहुत हैवी इसके अंदर आर्म्स होते हैं और जिससे इसको मिक्सिंग जितने भी हमारे मिनरल्स हैं या क्ले है या आपके बिल्डर्स हैं इसको प्रॉपरली काफ़ी हाई मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये प्रॉपरली बाइंड हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने कभी कोई बिजनेस करना है तो आप हमेशा सिग्मा मिक्सर ही लीजिए डिटर्जेंट केक और डिशवॉश बार को मिक्स करने के लिए। तो अभी जैसे इसमें 100 kg का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100 kg प्रोडक्शन के लिए ये कितना लगभग प्रोडक्शन दे सकता है एक बार? अप्रॉक्सीमेटली डिटर्जेंट केक का एक बैच बनाने में 35-45 मिनट्स की मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है। Okay. तो अब डिपेंड करता है कि आपको पर डे कितना प्रोडक्शन चाहिए। तो अगर आप उसके हिसाब से एक प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं तो मशीन का है 100 kg पर बैच, 300 kg पर बैच, 500 kg पर बैच, इवन 1000 kg पर बैच का हो सकता है। उसके हिसाब से आपकी जो और रिलेटेड मशीन है उनको कितनी बड़ी मशीन होगी, कितना ऑटोमेशन होगा, वो ऑटोमेशन के बेस पर उसके पैसे बढ़ेंगे। मिक्सर के संग आपका एक्सट्रूडर के संग कटिंग मशीन, रोल मिल,
अभी हम जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखा रहे हैं, हम एक छोटा प्लान दिखा रहे हैं कि जिससे कोई भी आदमी एक छोटे बजट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए के बजट के अंदर वो अपना खुद का यूनिट लगा सकता है और लगा के चला सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर मिक्सर जो आपने वीडियो में देखा, इसकी कैपेसिटी आपकी 125 केजी पर बैच है। पर बैच 125 किलो माल हम इसमें 35 से 40 मिनट में बना लेते हैं। ओके, सो 35 से 40 मिनट में 125 केजी मटेरियल जो है वो बन जाता है। अब हम इसको खोलते हैं। ओके, सो मटेरियल रेडी हो गया है अब हमारा। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस मटेरियल को बाहर निकालते हैं इस मशीन से और दूसरे मशीन में लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस मशीन से। तो यहाँ से ये लेयर्ड फॉर्मेट में बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको पूरा खोलेंगे। ओपन करो। तो अभी हमारा माल जो है वो बन के तैयार हो गया है एक एक दूसरे मशीन में जाने के लिए। देख रहे हैं इसकी बाइंडिंग प्रॉपरली बाइंड हो चुका है। ओके, ये आपका बाइंड हो गया है। अब जैसे हम डाई लगाएंगे, जिस तरह की भी हम डाई लगाएंगे, उस तरह का तरीके का आपका शेप का प्रोडक्ट निकलेगा, तैयार हो जाएगा। तो अभी हम जो मशीन लेके जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम डिशवाश बनाएंगे, यानी जो डाई होगी वो डिशवाश टाइप की डाई होगी, डिशवाश टब टाइप की, राइट। तो अब ये जो है यहाँ पे इस मशीनरी के पास आ चुका है और इस मशीनरी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इस मशीन को क्या बोलते हैं? इस मशीन को हम बोलते हैं एक्सट्रूडर, एक्सट्रूडर या प्लॉडर, प्लॉडर या एक्सट्रूडर। हाँ, ये छोटी मशीन है, ये आपकी 4 इंची का प्लॉडर है। इसकी कैपेसिटी है आपका आधे घंटे में 100 किलो माल निकालने के। इससे बड़ी जो कैपेसिटी होती है 6 इंच की होती है, उससे बड़ी आपकी 8 इंच की होती है। और थोड़ा अगर तो हमें हाई प्रोडक्शन और चाहिए तो उसके लिए हम वैक्यूम एक्सट्रूडर, डुप्लेक्स डबल वर्म, इस तरह की भी हम मशीन लगाते हैं वो बड़े प्लॉट्स के। वो डिपेंड कर सकते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अब थोड़ा सा हम इसको क्लोज से देखते हैं इस मशीन को कि ये किस तरह से काम करता है। अब देखिए जो जो केक मिक्स हुआ है, डिटर्जेंट डिशवॉश बार का मिक्सिंग हो गई है, ये डाव को, इस डाव को हम लोग इस प्लॉडर के अंदर, एक्सट्रूडर के अंदर डाल देते हैं। अब एक्सट्रूडर में डालने के बाद हमने यहाँ पे इसके एक्सट्रूडर में डाल दिया, ये स्क्रू है आपका, मत डालो। स्क्रू दिखने दो, ये स्क्रू है, ये स्क्रू इस प्रोडक्ट को आगे की तरफ पुश करता है। डालो आप वो प्रोडक्ट डालो, यहाँ है। अब इस एक्सट्रूडर के ऊपर हमने एक डाई लगाई है, ये जो डाई है इसमें हम टब बना रहे हैं। अब आपने देखा ये डाई से ये जो प्रोडक्ट है आपका निकल रहा है। अब एक साइज में निकलेगा आपका, राउंड साइज में, जो कि हमारे बॉक्स के साइज के बराबर का है। बंद कर दीजिए। इसका तो कोई लेंथ वैसे फिक्स होता नहीं होगा, किसी भी लेंथ में काट सकते हैं और है? तो दोस्तों अब हम इसको कट करेंगे। कट करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, मैनुअल मशीन तक ले जाने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट करेंगे। कटिंग के लिए क्या हम एक मैनुअल सिस्टम ही आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो कटिंग करने के लिए अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप न्यूमेटिक कटर भी लगा सकते हैं। जो न्यूमेटिक कटर है उसका हम लोग लिंक डाल देंगे अपने वीडियो के अंदर, आप वहाँ देख सकते हैं। अब इसको हम बॉक्स साइज के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। एक डब्बे दिखाना। ये कटिंग मशीन है, सिर्फ मैनुअल कटिंग मशीन। ये मैनुअल कटिंग मशीन है आपकी। ओके, काटो इसको। सो अब इस डब्बे में जो जितना आ सकता है, अब इस डब्बे के हिसाब से, इस डब्बे में जो भी आ सकता है, जितना शेप में आ सकता है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे कटिंग करेंगे। स्टैम्प कर दो। अब कट करने के बाद से हम अपने ब्रांड का यहाँ पे स्टैम्प कर देंगे ऊपर से, ताकि कोई बंदा देखे तो हमारे ब्रांड के बारे में भी जानकारी मिल सके। यहाँ पर देखोगे तो ये ब्रांड जो है ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। तो इसी तरह से आप भी इस तरह के काम को कर सकते हैं। अब इसको बॉक्स में डाल दीजिए। अब ये बॉक्स में हमारा डल गया, इसके ऊपर हम लोग ये इसको यूज करते हैं, इससे हम क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट। कवर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। अभी आपका बॉक्स रेडी हो गया। अब ये बॉक्स बन के रेडी हो गया।
अब आपने इसको कार्टन में डालना है, ये परफेक्ट हो गया हमारा। अगर आप चाहते हैं तो इसको पैक भी कर सकते हैं ऊपर से, और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं ब्रांडिंग तो भी हो सकती है, वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना आप एक प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने को ले सकते हो, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि शेप के हिसाब से यहाँ से हम इसको निकालेंगे यहाँ से, और जैसे लेट से हमने इसको निकाल लिया, निकालने के बाद से ये जो हमारा बॉक्स है इस बॉक्स में हम सेंटर पर ले जाएंगे, और सेंटर पर ले जाकर इसको जो है ये फिक्स कर देंगे। तो अब ये जो प्रोडक्ट था जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अब ये मार्केट में सप्लाई करने के लिए अवेलेबल हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या किस तरह से आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टिंग कितना रुपए से कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने लेवल तक आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो डिशवाश है, इस डिशवाश के निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे पहला मैं क्वेश्चन सर आपसे करूँगा कि इस बिज़नेस को कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट है? बिजनेस करने के लिए कोई भी इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली सबसे बड़े जो रिक्वायरमेंट होता है कि आप जहाँ भी काम करने चाहते हैं, या जो भी आपका एरिया है, आपका नियर बाई एरिया है, वहाँ के मार्केट को आप समझे कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये रोज़मर्रा के यूज में आने वाले प्रोडक्ट हैं। हर घर में बर्तन धुलना है, क्लीनिंग होनी है, ठीक है। FMCG के प्रोडक्ट हैं, तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और अगर आप मार्केट कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो कोई भी कर सकता है और किसी भी बजट में कर सकता है। तो इसके लिए लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे लेट से हम कोई भी बिजनेस FMCG में शुरू करते हैं, तो नॉर्मली FMCG में फसाइलेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत होती है क्या? फसाइल बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है तो फूड से रिलेटेड होता है। हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरह का गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है कि आपको किसी तरह का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्या होता है कि आपको एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, जैसे आप अपना एक ब्रांड नेम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और अगर जो आप GST मस्ट नहीं है, GST क्योंकि गवर्नमेंट ने 25 लाख तक 40 लाख तक की छूट दे के रखी है कि कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो विदाउट GST रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, बट ट्रेडमार्क जरूर करवाएं, क्योंकि ट्रेडमार्क करवाना वो आपके हित में है। अगर जो मान लीजिए डेट में कोई बंदा इसको कैप्चर ना कर, हाँ, कल को आपका जो प्रोडक्ट डेवलप हो गया और आपने जो नाम रखा है वो अगर जो काफ़ी अच्छे ढंग से मार्केट में चलने लग गया, तो ऐसा हो सकता है कि कल को दूसरे लोग कॉपी कर ले, इसलिए ट्रेडमार्क करवाना ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। और GST आप कुछ दिन बाद भी करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हम लोग जनरली जब इस तरह के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तभी हमारा बिजनेस होएगा, राइट? तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई बंदा अपने ब्रांड से ट्रेडमार्क करके और आपके थ्रू बनवा करके और इस काम को स्टार्ट कर सके? बिल्कुल, बहुत बेहतर आइडिया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी MNC कंपनियां आपको मिलेंगे, मैं हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो जनरली थर्ड पार्टी ही काम करवाती हैं। तो अगर जो मान लीजिए हमारे पास बजट की शॉर्टेज है, बजट कम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क आप अपना करवाइए, ब्रांड नेम आपका हो, और आप किसी से भी थर्ड पार्टी करवा सकते हैं, जॉब वर्क करवा सकते हैं, इनफैक्ट आप हमसे भी करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि मार्केट का आपको गाइडलाइन होना चाहिए कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, और आप अपने प्रोडक्ट की पैरामीटर और प्राइस की पैरामीटर को पकड़िए। कई बार क्या होता है कि जो नया मैन्युफैक्चरर, जो प्रमोटर होता है जिसको अपना ब्रांड बना के आगे सेल करना रहता है, आइदर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करे या किसी और से करवाए, तो कई बार क्या होता है कि वो प्राइस के ऊपर वर्किंग करते हैं कि आप हमें इस प्राइस का दे दो, उस प्राइस का दे दो। आप बेसिकली पहले क्वालिटी पर वर्कआउट कीजिए कि मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आज मान लीजिए कि डिशवाश में अगर जो कोई लीडर ब्रांड है, विम है, एक्सो है, तो आप उस तरह की क्वालिटी अगर जो बनाते हैं तो उस क्वालिटी का पैरामीटर क्या होगा, उसके लिए बेसिकली अगर आपको फॉर्मुलेशन की नॉलेज नहीं है तो आपको अपनी फॉर्मुलेशन की नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप प्राइस के लिए किसी से बात करें। आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, वो कंसल्टेंट आपको फॉर्मुलेशन दे सकता है, तो एक बार अगर आपके फॉर्मुलेशन आ गई तो आप अगर किसी से भी थर्ड पार्टी करवाएंगे तो उसमें क्या है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट
उसके अलावा जो थर्ड पार्टी जो आपका जॉब वर्कर है उसको, वो आपसे क्या चार्ज करेगा, आपने उसको उतना पे करना है, तो वो आप ओपन अप कर सकते हैं, जिससे आपका आपके बिजनेस पे बिना फैक्ट्री लगाए भी कंट्रोल हो सकता है। तो लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मुलेशन का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब वो एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन आप रख सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए जो बेटर हो। जरूरी नहीं कि हर किसी का फॉर्मुलेशन एक ही हो। देखिए मॉडलेस सबका फॉर्मुलेशन एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, बट मॉडलेस अगर हम बोलें तो अराउंड 90% एक जैसे भी होते हैं, क्योंकि क्योंकि मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका 50 रुपये MRP में जो सेल हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट भी अप्रोक्सीमेटली उसकी RM कॉस्ट आप देखेंगे तो 20 से 25 रुपये की रेंज में आती है। तो आपके पास लिमिटेड ही होते हैं केमिकल्स जो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फॉर्मुलेशन बैलेंस नहीं रहेगी तो आइदर या तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो डालने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं जिससे आपकी क्वालिटी बन के नहीं आ रही है। तो इसलिए कि एक प्रॉपर अगर आपको नॉलेज नहीं तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपको हायर करना चाहिए। से लोग होते हैं जैसे किन के पास हम जा सकते हैं, जैसे मेडिकल वाले जो RM वगैरह होते हैं उनसे जा सकते हैं, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल वाला बंदा है उससे कंसल्ट करना, किससे कनेक्ट करना चाहिए? देखिए टेक्निकल कंसल्टेंट जो होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होते हैं जो नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो उनको नॉलेज होती है कि क्योंकि जब हम जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मुलेशन करने का तरीका होता है, आज मान लीजिए मुझे राजस्थान में कोई प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना है, तो मैं जो राजस्थान में प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करूँगा वो राजस्थान में अलग होगा, और वही सेम प्रोडक्ट अगर जो मैं कश्मीर में करूँगा तो वो अलग होगा वहाँ के एनवायरमेंट। उसके पीछे रीजन क्या है कि दोनों जगहों के पानी का फर्क अलग है, नंबर वन। नंबर टू, अगर जो आप एक तो पानी में कहता हार्डनेस होती है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जो हार्ड वाटर के अंदर इफेक्टिव हो, हार्ड वाटर में काम करे। अब मान लीजिए कश्मीर का पानी हार्ड नहीं है, तो वहाँ पे हमने ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज किए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। राजस्थान में अगर जो पानी हार्ड है तो हमने वहाँ पे ऐसे केमिकल यूज किए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। इसी तरह के दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप अगर स्टेट वाइज अगर जो कंपेयर करते हैं, तो अगर आप केरल का फूड कल्चर देखेंगे और कंपेयर टू पंजाब का फूड कल्चर देखेंगे तो डिफरेंट होगा। तो यूटेंसिल के अंदर अगर जो मान लीजिए पंजाब है, तो वहाँ पे जी घी बटर आपको काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो डेफिनेटली आपके डिश वॉश के अंदर या डिटर्जेंट केक के अंदर ऐसे केमिकल होने चाहिए जो ऑयल को ज़्यादा इमल्सीफाई कर पाएँ, ऑयल को ज़्यादा ब्रेक कर पाएँ। अब केरला के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए ऑयल का लोड कम है, तो वहाँ पर हो सकता है कि उस इमल्सीफिकर की जरूरत ना हो, तो आप अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो अगर जो मान लीजिए आपको किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन से या इन चीज़ों के रिक्वायरमेंट हो, तो आप नोवोकेम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से उनको गाइड कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मुलेशन से हम उनको हेल्प कर सकते हैं बनाने में। तो अब इसमें एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट सेटअप को करने के लिए, जैसे एक नॉर्मल तौर पर इंसान मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए जो आपका क्वेश्चन है बड़ा एक रिलेटिव सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस सवाल पे एक सवाल और पैदा होता है कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, राइट। लेकिन मैं ना एक जनरल एक छोटे प्लांट की बात कर रहा हूँ कि जो एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम चालू करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम पर डे 1000 kg डिश वॉश बार या डिश वॉश टब बनाने का हम प्लानिंग करते हैं कि 10 घंटे के अंदर हमारा 1000 kg रेडी हो जाता है, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली अपने को 2000 square feet जगह की ज़रूरत पड़ती है। और मोरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें करीबन इलेक्ट्रिसिटी भी करीबन 10 kW की ज़रूरत पड़ेगी, और 3-phase कनेक्शन इसके लिए हमें रिक्वायर्ड रहेगा डिटर्जन केक के लिए, क्योंकि डिटर्जन केक की जो मशीन्स होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस होती हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे जो मिनरल्स होते हैं या जो और केमिकल्स होते हैं उनको बाइंड करके और आपको एक प्रोडक्ट का शेप देना होता है, तो इसलिए मशीन की क्वालिटी थोड़ी बेटर रिक्वायर्ड रहती है। तो इसके साथ जैसे एक मॉडल हो गया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 50,000 है, किसी के पास 1,00,000 है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10,00,000 तक अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 40-50 लाख होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबकी कैपेसिटी अलग है।
तो जैसे एक एक लाख का बंदा या दो लाख का बंदा अगर कोई शुरू करना चाहे या 50,000 में कोई चाहता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे आगे अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो करना चाहे, तो इसके लिए क्या मॉडल है आपके पास, कोई मॉडल है? देखिए ऐसा है कि अगर जो डिटर्जेंट केक का बिजनेस चालू करना है तो मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग कम से कम 6-7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आपको आएगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 6-7 लाख रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। ये मैं एक वो फिगर बता रहा हूँ जिस फिगर के अंदर आप अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं और उसके बाद डिपेंड करते हैं कि मार्केट से डिमांड कितनी है, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने फंड की और रिक्वायरमेंट होगी। करेक्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम प्रोडक्ट बनाए, हमने सेल कर दिया और हम हमारा जो एक मोरलेस कैलकुलेशन है कि एक 10,000 केजी अगर हम प्रोडक्ट मंथली सेल करते हैं तो हमें 7-1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका मशीन, आपका केमिकल, आपका पैकेजिंग मटेरियल्स और आपका वर्किंग कैपिटल हम लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद जहाँ तक सवाल 10 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का आता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने पास कंप्लीट है और उस इन्वेस्टमेंट में हम अपनी वर्किंग बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं वो डिफाइंड होंगे और डिजाइंड होंगे। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि अगर जो किसी के पास कम बजट है, कोई 1 लाख रुपए में काम करना चाहता है या कोई 5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में काम करना चाहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए उसमें एक सोल्यूशन है कि मान लीजिए कि आप डिश वॉश टब बेचना चाहते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट केक आप बेचना चाहते हैं, तब डिटर्जेंट केक बेचने में क्या है कि आपको पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी ऐसी, जिसमें पैकेजिंग की आपकी कॉस्ट करीबन अप्रॉक्सीमेटली 70-80 हज़ार रुपये लग जाती है। तो अगर जो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपये और आप कहते हैं जी मैं खुद ही अपने ब्रांड में ही सेल करना चाहता हूँ, तो आप डिश वॉश टब पर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टब है ये बना बनाया मिल जाता है प्लेन आपके, और इसके ऊपर जो स्टिकर है स्टिकर आप अपने नाम पे बनवा लीजिए ट्रेडमार्क करवा के, और उसके बाद आपके पास जो फंड है 70,000, 80,000, 1 लाख आप उतने का प्रोडक्ट बनवा के आप ले सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। 2-3, 4 महीने, 6 महीने का एक पीरियड लीजिए, आप मार्केटिंग का सेटअप कीजिए। अभी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम है, खादी ग्राम उद्योग में स्कीम चल रही है, एमएसएमई में काफ़ी स्कीम चल रही है, स्टैंड अप इंडिया में है आपका, तो 5 लाख 10 लाख रुपए का आपका लोन आपको मिल जाता है। तो आप अपने कस्बे में, गाँव में, छोटे शहर के अंदर कहीं भी लोन करवा के और आप अपना बिजनेस उस समय चालू कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर आपका बजट कम है तो आप पहले इस तरह से बैचेस बनवा के, मतलब जॉब वर्क करवा के चालू कीजिए, 4-6 महीने बाद आप प्रोसेस करके आप अपना खुद का भी लगा सकते हैं। इसमें ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आपके थ्रू जाके और वो बिल्कुल, अगर जो अगर जो आपके पास फंड्स कम है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए, आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रोडक्ट बना के हम आपको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे आखिरी क्वेश्चन है जो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ बनाना हमारे लिए किसी के लिए भी बहुत आसान होता है, राइट? वो थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करेगा, प्रोडक्ट उसके लिए बन के रेडी हो जाएगा, या मशीनरी बनवाना चाहता है तो वो बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन इन सबसे प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। प्रॉफिट स्टार्ट होता है जब हम इसको मार्केट के अंदर सेल करेंगे। तो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हम जैसे कि हमारे पास रिटेलर या होलसेलर हैं उनसे कैसे बात मिल सकते हैं, या अगर हम उनसे नहीं मिलना चाहते हैं डायरेक्ट रिटेल वालों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रिजेक्शन भी होता है, कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट ले जाके नहीं दे सकता, तो वो थोड़ा सा कैसे हैंडल करना चाहिए एक एग्जाम्पल? देखिए ऐसा है कि ये कुछ इस तरह का नहीं है कि प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, बेसिकली एक बैलेंस प्रोडक्ट बनाना मुश्किल का काम है। प्रोडक्ट तो क्या होता है कि आप को किसी ने कहीं से फॉर्मुलेशन ले ली, किसी से ले लिया, कुछ भी, मतलब आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया, ठीक है, ऑनलाइन आपने वर्किंग करी, लेकिन आपको पता है कि एक 5-10 मिनट की वीडियो में या 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरी जानकारी नहीं मिल सकती, नंबर वन। अब आता है सेल का। अब सेल में अगर जो मान लीजिए कि हमारा ऐसा बजट नहीं है कि हम टेलीविजन ऐड कर सकते हैं, हमारा ऐसा बजट नहीं है कि हम पेपर ऐड कर सकते हैं, या इनिशियली मान लीजिए हम रेडियो पे भी नहीं जा सकते हैं, तो
स्मॉल टाइप के जो आपके जो एडवर्टीजमेंट के जो तरीके होते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मान लीजिए कि एक किसी कस्बे के अंदर मैंने अपना बिजनेस चालू किया, तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं सबसे पहले अपने आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रिटेल मार्केट हैं मैं इसको कवर अप करूँगा। इनिशियली मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा तो मुझे बोलेगा कि मार्केट में 30 दिन का क्रेडिट चाहिए, 40 दिन का चाहिए, तो मेरे पास उतना मार्जिन भी नहीं है और मेरे पास उतना फंड भी नहीं है। तो मैं इनिशियली क्या करूँगा, मैं सीधे रिटेलर के पास जाऊँगा, रिटेलर को मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, उसको मैं बोलूँगा कि आप अपना मेरा प्रोडक्ट रखिए, ठीक है, आपको 4 पीस चाहिए, 6 पीस चाहिए, 1 पेटी चाहिए, आप रखिए, ठीक है, मैं केवल इतने का ही पैसा लेके जाऊँ, मैं अगली बार फिर आऊँगा आपको देने के लिए। मे भी हो सकता है पहली बार रिटेलर आपकी बातों से खुश होगा या नहीं भी खुश होगा, नहीं भी ले सकता है, बट जब 3 बार वो आपको देखेगा तो उसको ट्रस्ट आ जाएगा कि ये जो कंपनी है ये रेगुलर आ रही है, इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो वो क्या आपसे 4 डब्बे लेगा, आपको 4 डब्बे का कैश दे देगा, 1 पेटी लेगा, 1 पेटी का कैश दे देगा, क्योंकि इनिशियली जब आपके पास फंड कम है तो आपको फोकस रखना पड़ेगा कि मैं कितनी तेजी से अपने पैसे को घुमा पाऊँ। तो आपका माल अगर जो मार्केट में आप मत छोड़िए, आप उसको कैश में सेल कीजिए, 4 डब्बे बेचिए, 4 डब्बे से 4 पेटी और 4 पेटी से 40 पेटी बनने में महीने 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है, बट आपको बार बार जाकर नॉक करना है। तो पहले एज ए प्रमोटर, एज ए बिजनेस हैंडलर आपने उन चीज़ों को खुद किया, अब आपका बिजनेस का जैसे ही थोड़ा सा ग्रो हुआ तो आपने क्या किया, एक मार्केटिंग का लड़का रख लिया, उसको भी आपने यही सिखाया कि दिन भर में आपको 40 काउंटर पे विजिट करनी और नॉक करना है, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप गए किसी दुकानदार के पास, एक दुकानदार ने बोला नहीं जी मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप जैसे प्रोडक्ट बाजार में बहुत सारे पड़े हैं, या आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप मुझे 25 रुपये का दे रहे हो, 30 का दे रहे हो, बाजार के अंदर लोग 20 रुपये का दे रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनाई है, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी अच्छी नहीं बनाई तो कस्टमर तक वो पहुँचेगा नहीं, तो इसलिए के बीच में लोग ज़्यादा मार्जिन चाहेंगे, तो आपको अच्छी क्वालिटी कस्टमर तक पहुंचाना है, यही आपका चैलेंज है, इसी को आपको क्रॉस करना है। वो एक बार यूज करने लग गया और उसको क्वालिटी पता चल गई तो फिर वो राइट। अब मुश्किल क्या होती है कि मान लीजिए कि आप 10 दुकानदार के पास जाते, 10 ने आपको ना बोल दिया, अब आप क्या करोगे, आप या तो निराश हो गए कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया, 2 लाख रुपए का सामान लिया, सबने मुझे ना बोल दिया, मैं 30 रुपए का बोल रहा हूँ, कह रहे जी 20 रुपए का मिल रहा है, तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी लीजिए। अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आप कुछ मत कीजिए, आपने पैम्पलेट छपवा लीजिए, अब आपने जब पैम्पलेट छपवा लिया तो मान लीजिए कि आपका ये प्रोडक्ट है, इसकी MRP आपने रखी है 35 रुपये, अब 35 रुपये की जैसे आपने MRP रखी तो आप इसके साथ कोई एक स्कीम लगा दीजिए। अब स्कीम लगाने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रबर है, ये स्क्रबर आपका 10 रुपये का जो हम इसमें फी डाल रहे हैं, अब इसके अलावा कुछ एक और हम चीज़ कर सकते हैं कि जैसे स्टील के स्क्रबर आते हैं, ठीक है, अब स्टील स्क्रबर की अगर जो मैं कॉस्टिंग की बात करूं, मार्केट के अंदर 10 रुपये के अंदर 10 से 12 रुपये 15 रुपये में रिटेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी कैलकुलेशन कॉस्टिंग निकालेंगे तो 5 रुपये की कॉस्टिंग आती है बल्क में, लेकिन अगर आप देखें तो उसकी MRP 15 रुपये है लेकिन आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 5 रुपये आई, तो अगर आपने दुकानदार को जाकर बोला कि भाई साहब कस्टमर के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें 35 रुपये के संग एक 15 रुपये का मेरा स्टील का जूना फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, और इस आइटम के अंदर एक जो सबसे लीडर ब्रांड है वो आपको 5 रुपये की मार्जिन दे रहा है, मैं आपको 10 रुपये की मार्जिन दे रहा हूँ, तो आपने क्या किया, 5 रुपये में 15 रुपये कस्टमर को चीज़ दिखाई, उसके लिए एक स्कीम जनरेट करी, दुकानदार को आपने ज़्यादा मार्जिन दी, और दुकानदार को आप बोले कि अगर जो ऐसा मैं करूँ कि कस्टमर कल को आप 1 पेटी रख लो, कस्टमर मेरा प्रोडक्ट मांगते हुए आएगा आपके पास, तो आप रखेंगे, मैं कल आऊँगा, अगर जो नहीं बिकेगा तो मुझे वापस कर देना, ठीक है। अब उसने रिटेलर ने आपकी बात मान ली, आपका प्रोडक्ट रख लिया, अब क्या होता है कि कस्टमर को कैसे, तो आपने पैम्पलेट प्रिंट करवा दिए और पैम्पलेट पे लिख दिया 35 रुपये के डिश वॉश टब के संग 15 रुपये का स्क्रबर फ्री है, और आप इसके लिए रिटेलर को कांटेक्ट करें, तो अब कस्टमर को लगा कि जो मार्केट में जो चीज़ मेरे को 30 रुपये की मिल रही है वो मुझे 20 रुपये की मिल रही है, वो दुकानदार के पास जाता है, उससे वो प्रोडक्ट मांगता है, जैसे कभी कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को रिटेलर से मांग लिया आपका प्रोडक्ट की मूवमेंट बन जाती है। तो इस तरह के आपको इनोवेटिव आइडिया देखने पड़ेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे,
आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है ना कि बेचना है। तो जब आप बताने लग जाएंगे तो उसका तो अपने आप बिकने लग जाएगा। ये इनोवेटिव आइडिया, ये जो मार्केटिंग की टेक्निक है वो काफ़ी खास थी। और साथ में मैंने अभी ये भी देखा था कि रिसेंटली जब मैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपने घर पे था तो एक मार्केटिंग कंपनी ने भी ये स्ट्रेटजी लगाई थी कि डिटर्जेंट का जो पैकेज था वो 5 kg के करीब डिटर्जेंट का पैकेज दे रही थी और उस 5 kg के साथ एक बड़ा सा टब दे रहा था, एक बाल्टी दे रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे कि उस टब और बाल्टी की वजह से, डिटर्जेंट तो उनको लेना ही था तो उस टब और बाल्टी की वजह से भी वो प्रोडक्ट को ले रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ इसी तरह का इनोवेशन, कुछ इसी तरह का आइडिया देना पड़ेगा। और आपको ये देने के लिए आपकी कंपनी को एज अ कंपनी आपको बल्क में कहीं से परचेज करना पड़ेगा, बिल्कुल, जहाँ से मार्केट का रेट सस्ता हो सके। और अगर आप उसको इसके साथ जोड़ते हैं तो आपको वही प्रॉफिट हो सके और इसके साथ साथ आप मैक्सिमम वैल्यू भी दे सके। तो कुछ इसी तरह की इनोवेशन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश ऐसा करें कि ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करें जिसमें गैप बहुत ज़्यादा हो। ओके। जैसे आपने इस कपड़ में देखा गैप है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप पाउडर हैंड वॉश पे कर सकते हैं। तो हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आप इसके संग इस प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हैं और आप इनोवेटिव प्रोडक्ट कीजिए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है। अब जैसे गोदरेज का मैजिक हैंड वॉश आता है जो पाउडर फॉर्म में आता है, वो भी हम लोगों ने डेवलप किया है। तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है मार्केट में 15 रुपये का, बट आपके घर पे कॉस्टिंग उसकी 5 रुपये की आ रही है, तो उससे आपकी कंपनी को थोड़ी एज भी मिलता है कि आपकी कंपनी बेहतर प्रोडक्ट बना रही है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है। तो उससे आपको मार्केट में एज मिलेगा। आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपके पास कुछ नई स्टोरी है अपने ब्रांड से रिलेटेड, तो हमेशा आपके ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए ना कि सेल करने की। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ से जो मेन चीज़ निकलता है इस पूरे वीडियो के ड्यूरेशन में कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर और प्रमोशन पर फोकस करना है, ना कि सेल पे, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आप अपने इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सको कि कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर के आए हो और उसके साथ क्या क्या ऑफर जो है आप उनको डिलीवर कर रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, चाहे मशीनरी लेने के लिए, चाहे रॉ मटेरियल लेने के लिए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे हमने एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाइए। वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाइए। दोनों में से कहीं भी आप अपने नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन को डाल दीजिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ये भी डाल दीजिए। हमारी टीम अगर सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेगी। और दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन और सारे प्रॉब्लम्स का समाधान जो है वो हमारी स्टार्टअप अथॉरिटी के जरिए दिया जाएगा, जिसमें हम इनके थ्रू डायरेक्ट जो भी मटेरियल्स होगी, जो भी प्रोडक्ट होगी, बिना किसी गैप के, बिना किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि अब से जो लाइव एपिसोड शुरू हो रही है वो लाइव एपिसोड सीधे आपके इनबॉक्स तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय भारत।